महाराज, क्यों आप मुझे बार बार तंग कर रहे हैं स्वामी? और पियाओ पियाओ हमारे पिया। और महाराज बोलो, और यो पियाओ पियाओ हमारे पिया। ओ चले जाओ ना, हट जाओ ना, ओ चले जाओ ना, और हट जाओ ना। Thank you.
पर मिलती है। कैसे हर बिन मांगे मोती मिलते हैं है। और मांगे से भी कि न मांग मांग करके हो पिटिए ये मांग सामने दिखाई दे। अच्छा जो मांग शीश पर है तो देखे मांग क्या देती है। और बिखरे बालों को ये मांग सदा ये मांग सदा वरदान दो तो पावर संदेव अंधे राज आप कहते हो मांग लो रानी मांग लो क्या चाहिए जो कहोगी वो करूंगा। किसी ने गलत कहा हो तो उसकी जिभ्या कटवा दूंगा। अगर किसी ने बुरी निगाह से देखा हो तो उसकी निगाहें फोड़वा दूंगा। किस राजा को भिखारी बनाना है किस भिखारी को राजा बनाना है जो कहोगी फिर मैं वो कर दूंगा। महाराज कुछ ध्यान है आपको? हाँ ध्यान है महाराज। कर गयो भोले स्वभाव के कारण मैं बिसर जाता हूँ। अच्छा अच्छा जब तुमने कहा था दुई के चार मांग मत लियो आज दो की बात बदलो चार मांग लो। अच्छा हाँ देने की तैयार जब मैंने दी तब नहीं मांगे तब कहे थे महाराज धालो जब मुझे जरूरत होगी मैं मांग लू। जबकि सबने कहा कि सदा चल आई प्राण जाए पर बचन न जाए प्राण जाए क्योंकि हमारे पास प्राण भी दिए हैं बचन के पीछे। बहुत पहले महाराज ययाति ने अपनी धर्म पत्नी के बचनों के पीछे प्राण भी दिए हैं हमारे रघुवंश में और आज तो हमारे घर में रघुवंश के दौड़ती रघुवंश शिरोमणि का याद राज्य अभिषेक जो मांगा कि हम देंगे हमारे प्राण भी मांगा कि हम देंगे। महाराज ऐसे नहीं लेने वाली महाराज कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं करती हूँ उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी अब तुम मर्दों पर है विश्वास नहीं। यू चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सौगंध राम की खा जाए राम की सौगंध खा जाए तब तुम्हें विश्वास होगा। अरे तो ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए मार्ग समुद्र में हो चाहे पहाड़ पर ये मगर जाए लेकिन हम वो नहीं बात से मुकर जाए। साक्षी ये गवाह है परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा। सत्री नरेश वचन से विचलित नहीं होगा है आन पहली बार है आन पहली बार सौगंध पवित्र नाम की लय महारानी मेरे सामने खाता हूँ। सौगंध अपने राम की सौगंध धामनी राम शपथ सतमोहि महाराज अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। परंतु महाराज एक बार पुनः सोच लीजिए मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे ना। अवश्य जो मांगूंगा वही मिलेगा। अब राम की सौगंध के बाद अब क्या चाहना क्या चाहती हो राम की सौगंध के बाद अब क्या चाहती हो? तो सुनिए महाराज मैं क्या चाहती हूँ सुने और लो सुन लो। सुन रहे हो स्वामी? हाँ सुन रहा हूँ। सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। सही सही स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना बड़ा खंबा महाराज और लो सुन लो प्राण प्रति प्राणी नाथ
अरे बही दातिया जी मांगती हूँ कौशल्यानंदन के बदले और निज सुत को राजी चाहती महाराज पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी मांगा हूँ दूसर वर कर जोड़ी दूसरा बार पर कर्जोर आप सोच रहे होंगे कि महारानी तुमने पहला वरदान यूं ही मांग लिया दूसरे वरदान में हाथ जोड़ रही हो तो क्या कोई विशेष बात है तो महाराज इसमें जरा कोई विशेष बात है सुनिएगा क्योंकि और ऋण के दूसरा जो है मेरा कौन सा तो सुन लो कंपित मत हो क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत हो महाराज अब सावधान होके खड़े हो जाए ऐसा ना हो कि मैं आपसे अपना दूसरा वरदान मांगू और आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए महाराज हो रहा राम जो राजा है वो तो राजा ही होगा अरे वो राजा नहीं क्यों उदासी हो कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो सुन मृदु वचन भूप ही सो शशि कर छुअत विकल निमि को ऐसे वैसे नहीं महाराज तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी तन धर आज कैसे आघात किया दर्शक पर जो कि मेरा मनोरथ कल्प वृक्ष रूपी फूल चुका था लेकिन आज तुमने एक हथनी के बाद ये काट कर फेंक डाला मोरे मनो और आप हमारे आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबूजी आपकी ओर से 101 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मोर मनो रथे ईश्वर तर फूल मोर मनो रथ आज मेरा मन विकल्प पे जो फूल चुका था लेकिन तूने आज उसको समूह नष्ट कर डाला है कई क्यों राम भरत में मैं कोई अंतर नहीं देखता राम भरत मेरी दुनिया आते हैं कैसे कि राम भरत सुंदर दुईया सात शंकर कर साखी सत कह राम भरत में कोई अंतर नहीं देखता मैं तो केवल छोर पर का विचार करके राम को राज्याभिषेक देना चाहता था मैं पर छोर के विचार कर मैंने राम को इसलिए राज्याभिषेक देना चाहा क्योंकि वो बड़ा है ज्येष्ठ पुत्र है अयोध्या का लेकिन एक अपराध एक भूल अवश्य कि मैं सब के हां मैं सब के तो
तुमसे मैंने परामर्श नहीं लिया, इसलिए मेरा यह मनोरथ अधूर हो गया महारानी। और ध्यान दें, सुन रहे हैं बड़ा। ये क्या? आप तो नारियों की बात ही रुदन करने लगे। क्या बेटा भरत आपका पुत्र नहीं? क्या मैं आपकी रानी नहीं? मैंने अपने बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया तो आप तो नारियों की भांति रुदन करने लगे। भरत की रावण पुतना हुई, क्या आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? क्या मैं आपकी महारानी नहीं? क्या बेटा भरत आपका पुत्र नहीं? क्या सोचा था? क्या मैं आपसे बरदानों में कोई दो मुट्ठी चने मंगाऊंगी चबाने के लिए? महाराज जो जो सरसर असलाग तुम्हारे, अगर मेरे वचन आपको बाणों के समान लगे हैं तो पहले संभाल कर क्यों नहीं बोल रहे? अभी तो बड़े गाने गा रहे थे, अब राज मांग लिया तो आप रोने लगे? अभी तो बड़े लहरा लहरा कर गाने गा रहे थे। सुनिए महाराज, जो जो सरसर असलाग तुम्हारे, तो काहे ना बोले वचन संवारे? अगर मेरे वचन आपको बाणों के समान चुभे हैं तो पहले संभाल कर बोलना चाहिए था। जस कौशल्या मोर बल ताका, दस फल देओ उन्हें कर साका। जैसा कौशल्या ने मेरे साथ किया है उसका फल मैं उसे अवश्य दूंगी। महाराज अवश्य सुनो, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, पत्थर से। सुन लीजिए, दो दो बरजो मैंने मांगे हैं, अब मैं उनको बदल नहीं सकती। क्यों? दो बरजो मैंने मांगे हैं, अब मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, वो धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, यदि हृदय आपका दुखता है, मेरी बातों से आपका ये हृदय दुख रहा है, तो यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे वो सरल उपाय बताती हूँ। बताऊं? अवधेश के प्राणनाथ दूर से बात करो। अवधेश अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। ए, तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले वरदान नहीं। हाँ। नीच बुद्धि की नारी, नीच बुद्धि की नारी है तू, तू रघुवंश का सर्वनाश कराएगी, याद रखना। अरे ओ नीच बुद्धि की नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगती। अरे क्या होगा तू परदाना, तू क्या होगा, क्या होगा तू परदाना, तो हमारा जाता है इस होर प्राण का सौदा सूर काम बन जाता है। महाराज आप सत्य की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सत्य की बात। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज अगर आप सत्य की बात करते हैं तो मैं आपको ध्यान दिलाती हूँ, शायद आप भूल गए होंगे, आपके वंश में कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने सत्य के खातिर आन वान शान अपनी जान तक गवा दी। महाराज जान तक, सुनो, सतवादी था नृपहरी चंद, आपके ही वंश के हैं महाराज। सतवादी था नृपहरी चंद, जिसने सत्य जाना संकट में, अरे जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा सिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा की एक कबूतर पर खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए सुयुद्ध दधीच, जो स्वयं दान कर देते थे, जब आकर इंद मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। अरे महाराज मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस ना मांग रही, मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरघट का बास ना मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा जो आपने मुझे अपने मुख से दिया है। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है, हरिचंद के कुल को हो तो दे दो, यही मुनासिब है। आज अवसर मिला है तुझे, आज अवसर मिला है मांगने का, अवसर की हो तुमने, किस अवसर पर मांग रही हो? लेकिन इसका कलंक जीवन भर इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। महारानी ध्यान रखना, तुम मेरे प्राणों को मांग रही हो, क्योंकि मैंने जब मैं स्वयं मन के रूप में था, भगवान नारायण ने दर्शन किए थे, तब मैंने मांगा था कि किस प्रकार से मछली जल के बिना नहीं रह सकती, इस प्रकार मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रहूंगा। ये वरदान मैंने मांगा था, इसमें तुम्हारा दोष भी नहीं, लेकिन तुमको अपयश लगेगा, कलंक लगेगा,
तुमने जो मांगना चाहे वो मिलेगा। अरे लाली रानिया चल पसार कर जाले दान भीले ताज भीले बनवास भीले और कसरत के ये प्राण भीले संग